यही उनका पैतृक घर है। उनके कुछ पिता, उनकी बहने और परिवार के अन्य सदस्य यहाँ पर हैं। श्री पृथ्वी सिंह चौहान अभी 8 दिसंबर को सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के साथ में उसी हेलीकॉप्टर में थे जिस जो क्रैश हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए और परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ हम लोग पूरी संवेदना रखते हैं। इस बात के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, अपने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ ही सैन्य अधिकारियों के इस हादसे का शिकार होने से पूरा देश आहत है और उन सभी परिवारजनों के प्रति हर भारतवासी अपनी पूरी संवेदना के साथ खड़ा है। मैं भी दिल्ली से ही आ रहा हूँ। जनरल बिपिन रावत जी के और उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी के को पुष्पांजलि देने के बाद मैं सीधे आकर आया हूँ। यहाँ पर पृथ्वी सिंह चौहान के माताजी पिताजी से, माता पिताजी से मुलाकात की है, परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की है। राज्य सरकार शहीद परिवार के साथ में है। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के पूज्य पिता परिवार के सदस्यों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि राज्य सरकार, हमारे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, हमारा यहाँ का प्रशासन पूरी तरह उनके साथ में है। कल संभवतः मॉर्निंग में विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान का पार्थिव शरीर आगरा आएगा और फिर यहाँ पे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सम्मान से विदाई दी जाएगी। हम सब दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हैं। एक विंग कमांडर हमारा श्री वरुण सिंह गंभीर रूप से घायल है, उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं और सभी शोक संतप्त परिजनों को हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की पूरी संवेदना और भरपूर सहयोग उन सभी को प्राप्त होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।